आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया, कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। लोकसभा चुनाव के सियासी संग्राम के बीच आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मुद्दे ने सियासी गर्मी को परवान पर पहुंचा दिया है। जहां एक ओर इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, तो दूसरी ओर केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। घटना के छठे दिन केजरीवाल ने मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी और सीधे सीधे बीजेपी को ही घेर लिया। शनिवार 18 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये हम सब लोगों को जेल में क्यों डालना चाहते हैं, हमारा कसूर क्या है। साथ ही कहा कि कल यानी रविवार को 12 बजे अपने सभी नेताओं के साथ बीजेपी के मुख्यालय आ रहा हूं, आपको जिसको गिरफ्तार करना हो कर लीजिए। एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया, हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, सरकारी स्कूल शानदार बनाए। हमारा कसूर यह है कि हमने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल बनाए। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलए एमपीज सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया था। विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से मारपीट करने का आरोप है। विभव कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। गौरतलब है कि 13 मई को इस घटना के बाद आज शनिवार को स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच में उनके शरीर पर चोट की पुष्टि हुई है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति मालीवाल के शरीर पर चोट के कुल 4 निशान मिले हैं। डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक स्वाति की दाई आंख के नीचे और बाएं पैर पर चोट के निशान मिले हैं। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया जा रहा है। आपकी नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दावा किया कि अभी तक जो 2 वीडियो सामने आए हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है जिसे स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है। आतिशी ने मामले को बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। अब मामले में केजरीवाल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ ली है और बीजेपी को घेर लिया है और रविवार को बीजेपी मुख्यालय जाने का ऐलान कर सियासी घमासान को और बढ़ा दिया है। बता दें कि 25 मई को दिल्ली के सभी 7 सीटों पर मतदान होने वाला है। इस दौरान स्वाति मालीवाल के मुद्दे ने दिल्ली के सियासत को और गर्म कर दिया है। आपको क्या लगता है, स्वाति मालीवाल का मुद्दा दिल्ली के चुनावी जंग में क्या असर डालेगा, ये हमें जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।